गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और एक और नाम से इसको जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। बच्चों इसको दोबारा देख लें। कॉन्टिन्यूअस में होता है लगातार, और जो काम लगातार होता है ना वो इम्परफेक्ट होता है, और प्रोग्रेसिव माने भी कॉन्टिन्यूअस। तो इसको तीन नाम से जानते हैं। इस टेंस की पहचान क्या रहेगी कि वर्तमान काल में काम का जारी होना पाया जाता है। बच्चों इसकी पहचान है कि जो काम वर्तमान काल में हो रहा है वो काम जारी रहता है। दूसरी पहचान, हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। बच्चों यहां पे मैं लिखा हूं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। आदि का मतलब है ना कि कुछ ऐसे भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होंगे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं नहीं आएगा, फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। वो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर इस पहचान को नहीं देखेंगे, वहां पर हम इस पहचान देखेंगे कि वर्तमान काल में काम जारी है कि नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स करता हूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगा इज, एम, आर। और इसमें जो यूज करेंगे मेन वर्ब, वो मेन वर्ब हमारा होगा मेन वर्ब का इसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इट मींस इसमें जो हम मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो मेन वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि ईज एम आर आ गया तो कब ईज लगाएंगे, कब एम, कब आर। बच्चों आई के साथ हम एम लगाएंगे और थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो हम ईज लगाएंगे। बाकी जितने हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब वाक्य हम देखते हैं अफर्मेटिव। बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसके लिए अगर हम इतने स्ट्रक्चर बनाए वाक्य का, तो स्ट्रक्चर ही बनेगा, सब्जेक्ट लिखोगे आप, उसके बाद ईच, एम, आर में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट आएगा लिखोगे, अदर वर्ड आएगा तो आप लिख दोगे। एक वाक्य देखते हैं, बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर बच्चे जो सब्जेक्ट आ गया है लिखेंगे द चिल्ड्रेन। बच्चों पहले इसकी पहचान को हम पहचान ले, बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं ना। आप देखिए बच्चे वर्तमान काल में काम कर रहे हैं, और काम जो करना इनका है जाना स्कूल, वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, यानी वर्तमान काल में काम जो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है,
है ना बच्चों। उसके बाद हिंदी वाक्य अंत में रहा, रही, रहे, हैं जो करके आ रहा है वो भी इसमें पाया जा रहा है ना, रहा है, रहे हैं, तो ये पहचान है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा ये सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक बच्चों, अब आते हैं द चिल्ड्रेन जा रहे हैं। अब चिल्ड्रेन जो है ना वो हमारा प्लूरल नंबर में आता है, तो हम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आर। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे हम, गो माने जाना, तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा गोइंग, और गोइंग कहां कर रहे हैं, गोइंग टू स्कूल कर रहे हैं, साइकिल से तो बाई साइकिल। ठीक है बच्चों, और देखते हैं, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बच्चों मैं काम कंटिन्यूअस कर रहा हूं ना वर्तमान काल में, और रहा हूं करके आ गया ना, आप देख लीजिए रहा हूं, तो ये वाक्य जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई के साथ एम लगाएंगे, टीचिंग, टीच का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टीचिंग, मैं टीचिंग क्या कर रहा हूं, इंग्लिश कर रहा हूं, किसको, बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। बच्चों अगर हमारा वाक्य नेगेटिव है उसमें हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, रमेश महेश के साथ काम पर नहीं जा रहा है। बच्चों रमेश महेश के साथ काम पर नहीं जा रहा है, ये वाक्य नेगेटिव है, इट मीन्स ना नहीं आने की वजह से। तो हम लिखेंगे क्या, रमेश, ठीक है ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, क्योंकि रमेश आ गया, इज मेन वर्ब, से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, यही होगा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे गोइंग, कहां गोइंग, एट वर्क, काम पर के लिए एट वर्क का प्रयोग करेंगे, महेश के साथ तो विद महेश। ठीक है बच्चों, रमेश इज नॉट गोइंग एट वर्क विथ महेश। बच्चों अगर कभी कभी क्या होगा ना, आप ऐसे नॉट आएगा तो इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग कर लेना, कभी कभी ऐसे वर्ड आएंगे, उन वर्ड को भी देख ले, थोड़ा सा इससे अलग टाइप के वाक्य बनेंगे, पर है नेगेटिव रहेंगे लेकिन थोड़ा इससे अलग हो जाएंगे। वह इस समय कुछ नहीं खा रही है। बच्चों यहां पर देखिए कुछ नहीं खा रही है, यहां पे कुछ नहीं की बनी बनाई अंग्रेजी होती है नथिंग, जब आपको बनी बनाई अंग्रेजी नथिंग मिले ना तो आपको नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये नथिंग वर्ड है ना, ये नथिंग आपका ऑब्जेक्ट रूप में यहां पे काम कर रहा है, हम इसको मेन वर्ब के बाद लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे वह खा रही है, यानी कि सी इज ईटिंग। अब क्या खा रही है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां पर लिखेंगे हम नथिंग, इस समय, दिस टाइम। ठीक बच्चों, कुछ और देख लेते हैं, आज स्कूल कोई नहीं जा रहा है। बच्चों आज स्कूल कोई नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं की बनी बनी अंग्रेजी क्या है, नो वन, चाहे नन, और ये जो नन वर्ड है ना नेगेटिव जरूर है लेकिन अपने आप में सब्जेक्ट भी है, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे नन, चाहे नो वन, और नो वन माने सिंगल नंबर में जाएगा, तो नो वन इज गोइंग टू
स्कूल आज टुडे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास है कि मैं छोटा सा वीडियो आपको बनाऊं, छोटा छोटा, बड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है और थोड़ा बड़ा अभी बनाना भी नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए मेरा प्रयास ही छोटा वीडियो बनाऊं। चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हम एस नो टाइप वाला क्वेश्चन कहते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हम डिटेल टाइप वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन। हम एस नो टाइप वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? जब क्वेश्चन किया जाए जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे दो, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी की पहचान ये रहेगी, हिंदी वाक्य की, कि क्वेश्चन वर्ड जो क्या शब्द होगा ना, वो सबसे पहले आएगा। जब उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्या रमेश तुम्हें गाली दे रहा है? क्या रमेश तुम्हें गाली दे रहा है? बच्चों देखो, क्या रमेश तुम्हें गाली दे रहा है? हाँ ना उत्तर दे लोगे ना? हाँ, हाँ कहोगे तो दे रहा है, ना कर दोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा नहीं दे रहा है। क्या पहले आया है? क्या अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, रमेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, यानी कि हो जाएगा इज रमेश क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है, तो अब्यूजिंग कर देंगे यू, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या रोशनी अपने भाई के साथ कमरे में नहीं पढ़ रही है? तो बच्चों क्या है, हटा देंगे, रोशनी सब्जेक्ट है, हो जाए क्या इज, इज रोशनी नॉट पढ़ रही है। स्टडी माने होता है अध्ययन करना, स्टडिंग कर देता हूं मैं, स्टडिंग कहा कमरे में, कमरे में तो इन द रूम। ठीक है दोस्तों, अपने भाई के साथ है, हो जाएगा क्या विद, अपना अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहां पर हर ब्रदर। ठीक है बच्चों, समझा गया होगा, इज रोशनी नॉट स्टडिंग इन द रूम विद हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चों, आप समझ लीजिए इसको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? जब क्वेश्चन किया जाए जिसका आंसर आप कम से कम एक वाक्य में या डिटेल में दें, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इसको हम डिटेल वाला भी कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान ये रहेगी कि हिंदी की पहचान ये रहेगी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे बीच में आता है, सॉरी हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तो वही क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। देख लीजिए, अध्यापक
कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों देखिए यही क्या बीच में आ गया ना, अब यही क्या से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इस क्या को सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। अध्यापक एक ही है, इस सब्जेक्ट द टीचर है, मेन वर्ब टीचिंग, कहां कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं, रोहित घर पर अकेले क्यों सोया है? बच्चों वो चीज देख लीजिए जहां पर ये रहा रही रहे करके नहीं आएगा, फिर भी आप वो वाक्य में वो वाक्य कॉन्टिन्यूअस होगा, वो वाक्य देख लेते हैं। बच्चों देखिए यहां पर सोया है आ गया ना, लग रहा है कि काम परफेक्ट हो चुका है, लेकिन नहीं। बच्चा जब कोई सोया है, कोई व्यक्ति सोया है तो कॉन्टिन्यूअस सोया होगा, मैं खड़ा हूं कॉन्टिन्यूअस खड़ा हूं, कोई अगर बैठा है तो कॉन्टिन्यूअस बैठा है। ऐसे में हम क्या करेंगे वहां पर इंतजार नहीं करेंगे रहा रही रहे का, हम वाक्य को सेंस को देखेंगे, सेंस से हम वाक्य को क्लियर कर लेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ही है। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्यों है, वाई इज रोहित के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वाई इज रोहित स्लीप का काम जारी है, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक ना। अब व्हाई इज रोहित स्लीपिंग अकेले एलोन घर पर एट हाउस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, कुछ स्पेशल वाक्य देख ले, वह किस लिए रो रहा है, वह किस लिए रो रहा है। बच्चों यहां देखिए किस लिए आ गया ना, साथ में नाउन नहीं आया, तो जब साथ में नाउन नहीं आया आप लगाओगे फॉर व्हाट, किस लिए का, यानी कि व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। फॉर व्हाट इज ही वीपिंग। ठीक है बच्चों, या आप चाहो तो फॉर को लास्ट में लिख लो, व्हाट इज ही वीपिंग फॉर। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, वह किस लेखक की पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों यहां पे आया किस, और मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था कौन सा कौन सी किस है, तो नाउन साथ में, नाउन को भी साथ में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो किस आया ना, लेखक आया, लेखक की पुस्तक आया, एक साथ लिखेंगे। अब ये पोसेसिव केस में है, यानी संबंध है ना किसका, लेखक से पुस्तक से, तो हुज का प्रयोग करेंगे, हुज राइटर्स बुक। ठीक है, वह है तो इज ही रीडिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका कितना कितने कितने आ जाए, नाउन साथ में आ जाए, नाउन को भी साथ में लिखेंगे। बच्चे हर इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक ही वाक्य में हम कवर नहीं कर पाएंगे, वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप मेरे सारे टेंस के जो वीडियो जा रहे हैं ना उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कौन सा कौन सी है, कितना कितने कितने है, किस लिए है, ठीक ना, कहाँ के लिए है, तो ऐसा ही सारे वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स आपको हर टेंस में, हर पार्ट में ना दिखाई दे, लेकिन अगले पार्ट में दिखाई देंगे, इसलिए आप वीडियो साथ बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, मेरा उद्देश्य वीडियो थोड़ा छोटा बनाने का, इसलिए मैं थोड़ा छोटा ही बनाने की प्रयास कर रहा हूं, फिर भी यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बच्चों आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक बच्चों,
ओके और फिर अगली बार लेकर के आऊंगा आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।